الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم दरूद पाक बावाज़े बुलंद तमाम हज़रात पर सलातो व सलाम अलैका या सैयद या रसूल अल्लाह व अला अलिका व असहाबिका या सैयद या हबीब अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या सैयद या नबी अल्लाह व अला अलिका व असहाबिका या सैयद या महबूब अल्लाह तूने बातल को मिटाया इमाम अहमद रजा तूने बातल को जाया इमाम अहमद रजा दीन का डंका बजाया इमाम अहमद रजा अल्लाह जल्ला जलालहु दी हमदो सनात बाद दरूद इलाम महदूद इमाम उल अंबिया अलैहिस सलाम दी ज़ाते बाबरकात ते अर्ज करण तो बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम पीरे तरीकत राहबरे शरीयत साहबजादा वाला शान पीर सैयद सगीर उल हसन शाह साहब बुखारी केलानी दामत बरकात उमुल आलिया दीगर उलमाए जीवाकार हजरात जी वकार आज का ये बाबरकत प्रोग्राम उर्स पाक दे हवाले दे नाल इनेकाद पजीर है। अज 25 सफर मुजफ्फर है। अज उर्स इमाम अहले सुन्नत दा भी है। कुश्ता इश्क और रिसालत परवरदा आगोश विलायत मंबाए इल्म व हिकमत आफताबे विलायत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अश्शाह इमाम अहमद रजा खां फाजल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे इफाज़ दा नतीजा है कि असी सुन्नी रल के बह के पाकां दा जिक्र करने पयां ते सुनने पयां ते सुनाने पयां। इतना लंबा वक्त नहीं, एक दो बात में अर्ज करके इजाज़त चाहना। हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम महमद रजा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह 4 साल की उम्र अंदर मेरे इमाम ने उतो वेख के कुरान पढ़ लिया। उची बोलो जरा, साढ़ा 4 साल का बच्चा उन्हों पाकी पलीती का नहीं पता होंदा, लेकिन मेरे इमाम ने 4 साल की उम्र अंदर उत्तो वे के अल्लाह का कुरान पढ़ लिया। 3.5 साल की उम्र अंदर मेरे इमाम अरबी बोलन लग पे, अरबी के अंदर कलाम कर मेरे इमाम ने किया। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत आप दे शागिर्द अमजद अल याज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह मलकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह सैयद नईमुद्दीन मुराद आबादी जिन्हों के शगिर्दां का जोड़ नहीं उस्ताद किड्डा को काबिल होगा। ये तीनों हस्तियां इन्हों का बयान है कि 8वें 10वें दिन आला हजरत रात वेले बिठा लेना थे आपने किताबां दे हाशिए लगवाने
नोटिस बनाने हाशी किताबां दे लगवाने अठवें दसवें दिन ते कदी कदी अजे सा काम शुरू करना थे आला हजरत फरमाना जाओ बेलियो चले जाओ बाकी कल करांगे। हैरान हो जाना सारी सारी रात किताब दा हाशिया लगांदियां गुजर जांदी है कदी अजे बहने आके ते उठा के कर देंदे ने। एक रात आई हजरत जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे अजे हाशिया लगाना शुरू कीता ते आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया बेलियो उठो जाओ चले जाओ। सवाल करने की हिम्मत ना पई सोना मामला किए उठे बाहर आ गया दरवाजे ते बाहर आके खड़े हो गए। थोड़ी देर गुजरी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहले सुन्नत ने दीवा बुझाया चराग गुल कीता तीनों शगिर्द इमाम अहले सुन्नत फरमाना सी बार बूहे ते खड़े हाँ अचानक कमरे में नूर हो गया चराग बंद फिर भी कमरे में नूर है। कसीदा नूर आला कसीदा लिखन आले बाबे दे कमरे में नूर है। जिन्हें नूर आला कसीदा लिखिया ओना दे कमरे अंदर नूर है ते बोल के फरमाने रजाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है रजाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है हो गई मेरी गजल पढ़ कर कसीदा नूर का सुबह तबाओ मैं हुई बटताओ है बाड़ा नूर का। तीनों हस्तियां फरमा कमर में नूर हो गया सी बार असा लकड़ का दरवाजा तो सुराखा विचों वेख्या अंदर मामला की जरा आला सानू उठा के बाहर कर देंदे ने। अंदर मामला की है फरमान जो विरला विचों दरवाजे दियां जनाबे सुराखा विचों वेख्या ते वेख्या एक सोहनी जी सूरत आला जिदा चेहरा भी सोना लिबास भी सोने जुल्फा भी सोनिया नूरानी चेहरे आला बाबा आला चेहरे आला बाबा बिस्तर ते लेटे होया है प्यारे चेहरे आला बाबा बिस्तर ते लेटे होया है। इमामे आले सुनो दोनों दे कदमा दे बाके मेरा इमाम उन्हां दे पैर दबांदे पैन ओ जना बिस्तर ते लेटे होया है मेरा इमाम उन्हां दे पैर दबांदे पैन ओ मेरे इमाम नाल गल्लां करदे ने इमाम गल्ला करते पैन अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह फरमांदे ने सारी रात गुजर गई रात गुजर गई सरगी दा वेला होया इमामे आले सुन्नत आप उठे अपना दीवा बालिया चराग जलाया बार आए आपने सानू तिन्ना नू वेखिया आपनू गुस्सा आया मैं तुहानू कल्ले आए तुसी बार खड़े हो। हजरत ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमांदे ने सानू चाचे सानू तरीका हुंदा है अपने इमाम दा गुस्सा मिटावण दा असा अगे उहनू कीता है जड़ा आले रसूले नस्ले बतूले हजरत नईमुद्दीन मुराद आबादी नूं अगे कीता जवाब दिओ जदों सैयद दा चेहरा मेरे इमाम ने वेख्या इमाम दे चेहरे ते जलाल खत्म होया शाह जी बोल के आखण लगे पीरा इना जवाब देवो पत्ती बंद हो गई आप दे कमरे दा नूर आया सुन आए ना दसो आउन वाला कौन आउन वाला कौन आउन वाला कौन बाबा है जड़ा आया कौन है
जिदे पैर तुसी दबांद रहे हो कौन है जड़ा तोड़न गल्ला करदा रहा ओ कौन है इमाम दियां अक्खां विच आंसू आ गए इमामे आले सुन्नत ने रो के फरमाया बेलियो जदों तुहानू मुश्किल बने तुसी मेरे कोल आ जांदे हो ओ सैयद नईमुद्दीन जदों तुहानू मसला बने तुसी मेरे कोल आ जांदे हो जदों मैनू मसला बणदा ए जदों मैनू मुश्किल आ जांदी मैं बगदाद अलमू करना बगदाद अलमू करके आना सुन फरियाद सुन फरियाद पीरां दिया पीरां अर्ज सुनी कन दर के खपुरांदे ओ जिथे मछना बांदे डर दे मुरादाबादी शाह जी जफरुद्दीन बिहारी साहब अमजद अली आजम साहब जो तुम मसला बने तुम मेरे को आंदे हो तो जो मैनू बनता मैं भी किसी होर वाल जाना हजूर कौन है फरमा मैं बगदाद अल मुंह करके साइया आवाज मारना तेरी सरकार मिलाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा फरमाया मैं सरकार नूं आवाज मारना यारियां ने आ जांदे ने मसला हल फरमा जांदे ने दीदार करवा जांदे ने ये आला हजरत दा मकाम है जिन्हां दे कोल यारवीं लापे तशरीफ लैके आ जांदे ये मेरे इमाम दा मकाम अल्लाह सानू आप दे फैज़ तो मुस्तफीद फरमाए आमीन व मा अलैया इल्लल बलाग।